नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करूंगी बसंत ऋतु के आने से पहले गुलाब के पौधों को कैसे तैयार किया जाए कि बसंत में इसमें खूब सारे फूल लगें। इसके लिए हमें क्या करना है ये तो मैं आपको बताऊंगी, पर आप ये मेरे गुलाब की खूबसूरती भी देख सकते हैं। हमने सितंबर में अपने पौधे की रिपोर्टिंग की थी, तो गमला भरा था, खाद डाली थी इसके अंदर और एकदम नई मिट्टी भरी हमने नए तरीके से। तो अब क्या है कि अब इसमें देखिए खरपतवार लग गई है, इसे हमें हटाना है। सबसे पहले तो हम इसे हटाते हैं। गमले में गुड़ाई कर दी है और जितनी भी खरपतवार थी वो सब निकाल दी है मैंने इसके अंदर से। और देखिए एक हेल्दी प्लांट की क्या खासियत होती है कि गुड़ाई करते ही इसमें से देखो कैसी जड़ें निकल के आई हैं थोड़ी थोड़ी सी। इससे पता चलता है इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये सूखी पत्तियाँ हटा दीजिए और इसको अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। ये मैंने गुड़ाई कर दी है। अब इसके अंदर हमें ऐसा फर्टिलाइज़र डालना है जिसमें फास्फोरस हो। तो फास्फोरस जो है हमें बोन मिल से मिलती है और डीएपी से मिलती है। अगर आप बोन मिल नहीं डालना चाहते तो आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोन मिल है और आप मार्केट से ला सकते हैं, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बोन मिल को एक तो हाथ से नहीं उठाएं, इसको यूज़ करने से पहले अपने हाथों में ग्लव्स पहन लें और कपड़ा भी अगर आप नाक पर कपड़ा रखें तो बहुत अच्छे। बोन मील आप जब मार्केट से लें तो एक तो स्टेरिलाइज लीजिए, चाहे थोड़ा महंगा आ जाए पर आप स्टेरिलाइज लीजिए। पाउडर वाला बिल्कुल मत लीजिए, पाउडर वाला उड़ता है तो फिर वो सही नहीं है। ऐसे फॉर्म में जिसे ये देख रहे हैं ऐसा वाला लीजिए आप। बोन मील में प्रोटीन होता है और फास्फोरस बहुत मात्रा में होता है, तो ये हमारे पौधों के फूलों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको डालने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका 12 इंची का गमला है तो एक चम्मच से भी कम डालना है आपको। और पहले आप जो मिट्टी है ना इसको थोड़ा ऊपर ऐसे कर लीजिए, जैसा कि मैं बताती हूँ आपको खाद डालने का सही तरीका। ऐसे आप कर लीजिए, एक साइड पे आपको करके दिखा रही हूँ। ये 12 इंची का गमला है और 12 इंची के गमले के अंदर मैं एक चम्मच से भी कम लिया है मैंने, तो इसको ऐसे हल्का हल्का, ये देखिए बस ज़्यादा नहीं, किनारे किनारे पे डालना होता है, जड़ के पास नहीं। ये देख रहे हैं आप, और ऐसे इतनी मात्रा में पूरे ही गमले में आप ऐसे करके डाल देंगे और ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे ऐसे। ऐसे मिट्टी से ढक देंगे। ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ से ढक देंगे। इसमें हम ऐसे ढक दिया हमने इसको, अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। कोई भी खाद आप डालें शाम के टाइम डालें, और उसमें पानी जब आप खाद डाल दें तो उसमें पानी जरूर डालें। ऐसे ही आप डीएपी डालेंगे और ऐसे ही आप सरसों की खली डालेंगे। इसमें हमने पानी डाल दिए, ये देखिए। ठीक है, जब तक आप पानी नहीं डालेंगे तो ऐसे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर जो होते हैं वो काम नहीं करते, तो पानी डालना जरूरी है। अब क्या करेंगे हम,
ये बसंत ऋतु से पहले ये जो मौसम होते हैं जहाँ पे सर्दी और गर्मी धीरे धीरे तापमान जो बढ़ता रहता है, तो उसमें क्या होता है कि पौधों में कीड़े भी लग जाते हैं, तो काले काले रंग के बग्स लग जाते हैं और या ग्रीन कलर के, वो थोड़ा सा कई बार ग्रीन रंग का तो दिखता भी नहीं है, बहुत ध्यान से देखने से ही पता चलता है कि इसमें कीड़ा लग गया है। तो एक तो इसमें बग्स लग जाते हैं तो और कीड़े लग जाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, नीम ऑयल स्प्रे करना है। अगर बहुत ज़्यादा पौधों में लग गए हैं तो आपको मेलाथिन नाम की एक दवाई आती है, वो 1 लीटर में आधा चम्मच बहुत है, और 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच मेलाथिन डालिए और अपने सभी प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। कम से कम अगर ज़्यादा कीड़े लगे हैं तो आप उसको हर हफ्ते कीजिए उसे स्प्रे। डाइल्यूट करके डालने से क्या होता है कि हमारे पौधे ख़राब नहीं होते, उनके पत्ते जलते नहीं। अगर हम स्ट्रॉन्ग दवाई डाल देंगे तो हमारे पत्ते भी जल जाएंगे, हमारा पौधा मर भी सकता है। तो आपको यही करना है कि 1 लीटर में आधा चम्मच मेलाथिन डालकर अपने सभी पौधों में स्प्रे कर दीजिए। इस टाइप की जो पीली पत्तियां हैं इन्हें, ये भी फंगस के कारण हो जाती हैं, ओस ज़्यादा पड़ती है तो फिर उसके बाद कीड़े, फिर धूप निकलती है तो कीड़े भी अटैक कर देते हैं। ये आप ऐसी पत्तियों को हटा दीजिए अपने प्लांट पर से। और अब जैसे हमने कटिंग की है तो कटिंग करने के बाद क्या डाई बैग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो डाई बैग की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना पड़ता है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो पर बताऊंगी, और अभी तो फिलहाल इसमें फर्टिलाइजर्स के बारे में ही बताऊंगी। ये DAP है, और DAP जो है इसके अंदर क्या है कि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, इसके अंदर भी फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप DAP ले सकते हैं, ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, आप गुलाब के अंदर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 8 दाने आपको पूरे गमले के अंदर डालने हैं, 8 दाने से ज़्यादा नहीं डालना, ये तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बोन मील डाल के बताया है कि कैसे बोन मील डालना है, वैसे ही आपको DAP भी डालनी है। अगर आप या तो DAP डालेंगे या बोन मील, दोनों में से एक चीज़ डालेंगे। तीसरा फर्टिलाइज़र मैं आपको बताती हूँ, ये है सरसों की खली, जो कि मैंने पीस के रखी हुई है। मैंने अपनी वीडियो में जिसमें बताया कि सरसों की खली का फर्टिलाइज़र आप कैसे बनाएं, उसमें मैंने बताया कि मैं बताऊंगी कि कैसे इसको यूज़ करें। तो आप इसको या तो लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं, इसको आप 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच डाल के रख दीजिए और नेक्स्ट डे उसे अच्छे से मिलाकर अपने प्लांट को दे सकते हैं, या फिर आप पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने भी बोन मील डाल के बताया है, उसमें भी ऐसे ही आपको डालना है, पर ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना, ये आधे चम्मच से भी कम सारे इसमें गमले में आपको डालना है। करती हूँ, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप भी ऐसी अपने पौधे की देखभाल करें और इस बसंत ऋतु में खूब सारे गुलाब अपने गमले में पाएं। अगली वीडियो पर फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।